तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो। तो गाइज फाइनली आपको बताइए कि गेम प्ले रिलीज हो गया है एंड इसमें हमको एक ही कट सीन देखने को मिला है गेम में, इकलौता कट सीन। और उस इकलौते कट सीन में काफ़ी कुछ हमें हिंट मिल चुका है आने वाले गेम्स के लिए, जैसे कि ईवलन चैप्टर 2। तो गाइज ईवलन चैप्टर 2 में एक नया अपडेट आ सकता है एंड ये अपडेट होगा जोसेफ सॉलोमन से रिलेटेड। जोसेफ सॉलोमन को क्यों ईवलन ने मारा, अब ये लगभग कन्फर्म हो चुका है कि ईवलन ने ही जोसेफ सॉलोमन को मारा है। क्योंकि आपको पता होगा कि कैप्लेरियंस वालों ने अपने जो Q&A वीडियो था उसमें बताया था कि आइस स्क्रीम 6 में वो लोग बताएंगे जोसेफ सॉलोमन की डेथ मिस्ट्री के बारे में। और आइस स्क्रीम 6 में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई गई है ईवलन वाले कट सीन के टाइम, जिसको कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ईवलन एक ग्रेवयार्ड के पास खड़ी है एंड वहाँ पे जाके वो मतलब किसी को गाड़ा है उसने रिसेंटली एंड वो उस पर रिग्रेट बिल्कुल नहीं कर रही है, उसे बिल्कुल दुख नहीं है इस चीज़ का। उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि उसने जोसेफ सॉलोमन को मार के गाड़ दिया। तो गाइज मेरी बात सच साबित हुई, मैं तो आपको काफ़ी टाइम पहले से ही बता रहा था कि जोसेफ सॉलोमन को ईवलन नहीं मारा है क्योंकि उसके पास एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है उसे मारने का। ये जोसेफ सॉलोमन को मार के उसे गाड़ने वाला जो सीन है ना, इसका जो अपडेट है वो ईवलन के चैप्टर 2 में ही आएगा। एंड आपको याद होगा कि लास्ट आइसक्रीम डिलीवर ईवलन के स्कूल में ही करी थी जोसेफ सॉलोमन ने। बाकी आप लोगों की क्या थ्योरीज हैं कि क्या हो सकती है मिस्ट्री एंड कैसे मारा होगा? काफी लोग मुझे कमेंट बता रहे थे कि गमी ने मारा है भाई जोसेफ सॉलोमन को। नहीं जी, गमी नहीं मार सकता। हाँ, गमी से ईवलन ने कटवाया होगा बट मारा ईवलन ने खुद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। From this moment on, you will be my slave!